नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन के बेगमगंज में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का लगाया ग्रामीणों ने आरोप, कलेक्टर तक की शिकायत। ग्रामीण पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई गड़बड़ा झाला चल रहा है। रायसेन के बेगमगंज जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत मोहिया के खामखेड़ा गाँव के लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में मनमानी सहित आवास दिलाने के नाम पर पैसे लेने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर तक की गई है। दरअसल खामखेड़ा गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का लालच देकर उनसे पंचायत के रोजगार सहायक ने पैसों की मांग की तो कुछ लोगों से पैसे भी लिए गए और ग्रामीणों ने कहा कि आप लोगों का आवास आ गया है, कच्चे मकान तोड़ लीजिए, जिसके बाद गाँव के कुछ लोगों ने मकान भी तोड़ लिए और बाद में उनको आवास का लाभ भी नहीं दिया गया। इसी पूरे मामले को लेकर दर्जनों ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर रायसेन कलेक्टर के नाम भी ज्ञापन सौंपा और पीएम आवास योजना की जांच की मांग की गई। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्रामीणों की शिकायत पर जांच के आदेश भी दे दिए। अब देखना है कि पूरे मामले में ग्रामीणों के आरोपों पर की गई शिकायत कब तक और क्या जांच एवं कार्रवाई हो पाती है। रायसेन से ब्रजेश ठाकुर की रिपोर्ट। और हमारी बहू बिकलान, हम अकेले काका करें, बाल बच्चे पाले के हम घर बनाए, देखो ये तीन परिवार इतनी सी झोपड़ी में रह रहे हमारे। हाँ साहब, कुटी धन वाला जो है सचिव सरपंच अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब आदमी कोई सुनानी हो रही है और जे को दस हज़ार रुपया दे देते हैं उन लोगों की कुटीशन दे देते ना काट काट के गरीब आदमी के, हमने कोई सुनानी हो रही। और अगर शिकायत भी जाते हैं तो सत्य लोग कहते हैं कि अगर तुम जो कर पाओ कर लो और ज़्यादा ऐसे कहे तो बीवी बच्चे भी काम के नहीं रहेंगे तुम्हारी। ये मैं मतलब राजेश मजबूत देवराज की सबकी डरी है ऐसे ही हो पहल क्या दे के उदेर बनाओ हम उसे निकाल रहे कुटिस ने अब क्या दे के हिरा गई कुटिस ने पैसे में से सोई ले लाया के हाउ दियो बगैर पैसा से का हो रहा हो। अरे दो दो पाँच पाँच हजार ले लाए दो तीन जनों से और नहीं देखा छू लू घर अब कहते कहीं के है ही नहीं अब आई नहीं।